उससे 1.5 गुना मजबूताई से, ये लास्टिक है, रबड़ है, पकड़ के रखेगी, नीचे का जो माल है वो उखड़ेगा नहीं। उस पार से इस पार आगे और अपना साधन यहाँ से पकड़ेंगे। ब्रिज को किस तरह से रिपेयर किया जा रहा है, जो प्लास्टिक मास्टिक जिसे कहते हैं वो डाला गया है, क्या करने के लिए? भड़ा भड़ा काम करने के नीचे। अच्छा, आपको सीधी तस्वीरें इस समय हम दिखा रहे हैं बेंदा घाट ब्रिज की, देखिए वहाँ पे काम चालू है। 1.5 गुना यहाँ पे पहले से मजबूत बनाया गया है। लोडेड गाड़ी अभी पूरा होने से पहले कैसे निकल पाएगा? और ये नया देखने को मिल रहा है इसी ब्रिज में, ये सक्सेस होने के बाद रास्ता छोड़ देगा। अच्छा। पुराना वाला उखाड़ के फेंक दिया। यहाँ नीचे से कुछ खींच रहे हैं, खाना भी आपका भगवान। अच्छा, कहाँ के रहने वाले? महाराष्ट्र। जिनका खाना पकाने का काम है वो खाना ही पकाते हैं। हाँ, सही सर, मिलन। अच्छा, यहाँ कैसा लग रहा है हमारे उत्तर प्रदेश में? यहीं के हैं कि बाहर के? बाहर के। बाहर के हैं, कैसा लग रहा है यहाँ पे? अच्छा लग रहा है। काफी काम बाकी है, हम बेंदा घाट से आ रहे हैं। अच्छा, बैरिंग कंप्लीट हो गया जी, मस्टरी चालू है जो आधे से ज्यादा तक में हो चुकी। अब यहाँ पे इस समय हम बेंदा घाट के जो सुखसना है, सुखसना पे यहाँ पे आ चुके हैं। ये सुखसना चौराहा है, ये तो ये रोड जो है इधर के लिए जो है बेंदा के लिए गया है, और ये जौहर पीलू के लिए गया है, और सीधा ये बांदा के लिए गया है। तो यही जो है सुखसना चौराहा है। नमस्कार, इंडिया दिवसो न्यूज चैनल में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। इस समय हम उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिला और बेंदा घाट में यहाँ उपस्थित हैं। बेंदा घाट का जो ब्रिज है पहले क्षतिग्रस्त हो गया था, 1 साल हो गए, अब वो रिपेयर हो रहा है और काफ़ी हद तक तैयार भी हो चुका है, और बहुत जल्द जो है चालू भी होने वाला है। तो आप सभी जो वाहन चालक हैं उनके लिए खुशखबरी है, क्योंकि बहुत लोग परेशान हो चुके थे, और चिल्ला ब्रिज से इस समय बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो रहा है, वहाँ पे तादाद से ज़्यादा जो है गाड़ियाँ ठेला ऐसे बहुत सारे जो वाहन हैं आते जाते हैं, और आए दिन वहाँ पे जाम लगा रहता है, जिसके कारण लोगों को बहुत सारी परेशानियाँ झेलनी पड़ रही हैं। और ये ब्रिज बंद है, इसकी वजह से जो वाहन चालक है वो और जो है परेशान है। जो आने जाने वाले लोग हैं उनसे भी जानकारी लेंगे कि उनका क्या कहना है। इस समय हम बेंदा घाट में और फतेहपुर साइड में हैं, जो बहुआ को रोड जाता है सीधा, जो काम काज चल रहा है ये देखिए। यहाँ के जो ब्रिज में जो अधिकारी हैं, जो काम कर रहे हैं, सुपरवाइजर है, लेबर है, ऐसे लोगों से भी बात करेंगे। बहुआ साइड को गया है रोड, जो फतेहपुर साइड को। क्या नाम है सर जी आपका? रामभरण। अच्छा, आप कहाँ के रहने वाले? जौहरपुर। जौहरपुर में। तो यहाँ कुछ ब्रिज में कुछ काम काज है या दुकान वुकान है? नहीं, मैं समोसा बेचने जाता फेरी के खदान पे। अच्छा अच्छा अच्छा, खदान चल रही है यहाँ? खदान चल रही है। जनता परेशान हो गई थी। अच्छा, अरे बहुत परेशानी है भैया, इसमें निकलने के सबका विकास बंद है। हाँ देखिए, आने जाने के लिए बहुत समस्या हो रही है, महंगाई भी बढ़ रही है भैया, आने जाने सौदा होता बहुत महंगा बिक रहा है। वहाँ बाइक खड़ी करके तुम्हें पैदल आ रहा हूँ मोड़ पे, हमारी बाइक खड़ी है, हमने भी खड़ी किया, तो वहाँ से लोग पैदल आएंगे और यहाँ से अपन साधन पकड़ लेंगे, यही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या नाम है सर जी आपका? बबलू। अच्छा सर, कितने दिन हो गए काम काज चलते है ब्रिज का? काम काज चलते हो गए, मान के चलिए जुलाई उलाई से चल रहा है। जुलाई से चल रहा है, जुम्मू का आया है अब 80% हो गया है। शुभारम्भ इसका होना है, तो मतलब कब कब तक हो सकता है ये हम नहीं बता पाएंगे आप सर? नहीं नहीं, चालू होएगा लेकिन थोड़ा टाइम है, अभी थोड़ा मेंटेनेंस बाकी है। तो लेकिन जो वाहन चालक है उनके लिए खुशखबरी है कि ब्रिज पूरी तरह से और पहले से। अच्छा, जो पहले क्षतिग्रस्त हो गया था, काफी हिस्सा गिर गया था, हमने पहले भी तस्वीरें दिखाई थी अपने दर्शकों को, अब जो है बना है तो किस तरह से इसको मजबूती से बनाया गया है? बहुत बेहतरीन तरीके से, उससे 1.5 गुना मजबूताई से। और यहाँ पे सर नया जो काम हुआ है, ये डामर और गिट्टी जो ऊपर से परत डाली गई है उसका क्या मतलब है? ये लास्टिक है, रबड़ है, पकड़ के रखेगी, नीचे का जो माल है वो उखड़ेगा नहीं जी। और इसकी लाइफ तो भाई कोई नहीं गारंटी ले सकता, ऊपर वाला ही नहीं लिया तो। अच्छा सर, ये जो चिल्ला का ब्रिज है उसमें अभी तक डामर वामर कुछ पड़ा नहीं, वहाँ भी पड़ेगा क्या ये? उसकी नहीं जानकारी है। मास्टिक डाला गया है, ऊपर से परत है, रबड़ जिसे कहते हैं, और गिट्टी है, दिखाएंगे हम उसको किस तरह से जो है मजबूत बनाया गया है। ब्रिज की लाइफ बन गई, लेकिन चर्चा सर ये थी कि अब ये ब्रिज बेकार हो गया। यार कहने को तो लोग कुछ भी कहते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब चलते हैं, आपको ब्रिज की तस्वीरें दिखाते हैं। जहाँ पे हम चल रहे हैं इस समय, यहाँ पे कंप्लीट हो गया है ये, और ये नए सिरे से एकदम रिपेयर कर दिया गया है, बहुत ही अच्छा, पूरा उधेड़ दिया गया है। उधेड़ने के बाद यहाँ नए सिरे से बनाया गया है और बहुत ही मजबूत पहले से। जैसा कि हमने सर जी से बात की है, उन्होंने बताया कि ये पहले से 1.5 गुना मजबूत बना दिया गया है ब्रिज। तो इस समय हम आपको बेंदा घाट ब्रिज की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जो ब्रिज 1 साल पहले क्षतिग्रस्त हुआ था, बीच में से झड़ गया था, और अब उसका काम यहाँ पे चल रहा है। ये देख सकते हैं सभी जो कर्मचारी हैं लगे हुए हैं काम पे, इतनी कड़ाके की ठंड है भटरने वाली, फिर भी देखिए काम पे यहाँ पे लगे हुए हैं सभी, काम का चल रहा है ब्रिज का। काफ़ी हद तक इस पार से काम जो है कंप्लीट भी हो गया है। पूरे ब्रिज की तस्वीरें आपको दिखाते हैं, पर यहाँ से आना जाना अभी चालू नहीं हुआ है,
ये आपको खास करके बता दें, पैदल जाने के लिए यहाँ छूट है, बाकी कोई भी वाहन नहीं, बाइक भी नहीं आ सकती है, चार पहिया नहीं आ सकता है। लोगों का कहना है, बहुत सारी चर्चाएं चलती हैं कि ब्रिज को किस तरह से रिपेयर किया जा रहा है, कोई बोलता है मशीनें लगी हैं, पानी में मशीनें लगी हैं। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये सपोर्टर लगे हुए हैं, ये साइड में भी, ये साइड में, जहाँ पे उतर के नीचे जो कर्मचारी हैं जो काम करते हैं। और आगे चलते हैं, इसका परत एक अलग से डाला गया है, तो खुली जगह में दिखाते हैं। ये देखिए, पहले इसमें डामर पड़ चुका है और इतना ये ऊंचा जो है, जो प्लास्टिक मास्टिक जिसे कहते हैं, वो डाला गया है। इस क्षेत्र के जितने ब्रिज हैं, शायद ये पहली बार ये चीज़ देखने को मिल रही है यहाँ पे, और किसी ब्रिज में नहीं। अब नए ब्रिज जो बन रहे हैं, यहाँ सपोर्टर लगे हुए हैं। आगे लोग हैं, उनसे बात करेंगे कि ये जो लगे हुए हैं इनको क्या कहते हैं और ये किस लिए लगाए जाते हैं। लगभग लगभग आधे से ज़्यादा जो है कम्प्लीट हो चुका है, पर यहाँ पर जो मशीनरी है, जो शटरिंग है, ऐसी सारी चीज़ें लगी हुई हैं, उसमें समय लगेगा। देखो यहाँ भैया हैं सभी लोग, इनसे बात करते हैं, बहुत बढ़िया, ठंड बहुत ज़बरदस्त है, हाथ वाथ सब भटर रहे हैं। कर्मचारी हैं सभी, काम कर रहे हैं, उनसे कुछ जानकारी लेते हैं नई नई। अच्छा, क्या नाम है सर आपका? कल्लू। अच्छा, कहाँ के रहने वाले? कलकत्ता का। कलकत्ता से। तो यहाँ जो ये मशीनरी लगी हुई है, जो मतलब ठेकेदार जो इंजीनियर्स हैं, सब वहीं के हैं? हाँ, वहीं के। अच्छा, आपसे ये जानकारी लेनी, ये जो लगे हैं दोनों साइड में सपोर्टर, ये तो भाड़ा करने के लिए? क्या करने के लिए? भाड़ा, भाड़ा काम करने के नीचे। अच्छा, उतर के काम करने के लिए लगे हुए हैं। अच्छा, 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 यहाँ जहाँ हम खड़े हैं, यहाँ कंप्लीट हो गया है? हाँ, कंप्लीट हो गया। ये कंप्लीट हो गया है? हाँ। और बाकी कितना है लगभग? बाकी है ज्यादा नहीं है, उधर ही थोड़ा बाकी है, पूरा कंप्लीट हो गया। ओ, उधर। अच्छा, ये जो डाला गया है ऊपर से लेयर डाली गई है, हाँ, इसको क्या कहते हैं? उसको पिंच बोलते हैं। पिंच नंबर बोलते हैं। अच्छा, ये गिट्टी डालने का मतलब क्या है, जो घुसाई गई है बगत जाए जगह जगह में, इसका अर्थ क्या है? मतलब उसका अर्थ बोलते है, गाड़ी जो चलेगा ना, स्लिप नहीं करेगा, स्लिप नहीं मारेगा सीजन में ना। जी जी जी, गाड़ी स्लिप नहीं मारेगी, इसका ये फायदा है। आप कहाँ के हैं सर? खड़गपुर का है। खड़गपुर, ये कहाँ पड़ता है? ये कलकत्ता का, वेस्ट बंगाल। अच्छा, आप भी वहीं के हैं? हाँ, हम भी वहीं के। देखिए, सभी वहीं के हैं, कलकत्ता साइड के, और यहाँ पे इतनी ठंड में जो है सभी लोग यहाँ काम पे लगे हुए हैं। समझ लो भटरने वाली ठंड है, फिर भी देखिए काम इनका चालू है। वह आपको सीधी तस्वीरें इस समय हम दिखा रहे हैं बेंदा घाट ब्रिज की, और भी जानकारी लेंगे भैया से यहाँ पे। तो ये काम करने के लिए जो लगाए हैं सपोर्टर लगाए हैं उतर के काम करने के लिए, इसको क्या बोलते हैं? सीढ़ी। सीढ़ी, सीढ़ी बोलते हैं। सीढ़ी, सीढ़ी लगाई गई है। अच्छा, नीचे नीचे से जमीन से कुछ मशीन लगी है क्या? नहीं, नीचे से कुछ मशीनें ऊपर ऊपर ऊपर, क्योंकि गांव में तो चर्चा यही है कि पानी से मशीनें लगी हुई, जैसे नया ब्रिज नहीं बनता है, क्रेनें लगती है। नहीं, क्रेन नया ब्रिज नहीं, पुराना ब्रिज रिपेयरिंग हो रहा है, पुराना ब्रिज के जैसा रिपेयरिंग हो रहा है, उसमें नीचे से कुछ सपोर्टिंग नहीं है, ऊपर है। ये जो ऊपर में सपोर्टिंग, ऊपर में सपोर्टिंग, सीलिंग है, काम होता है पूरा। हाँ, इसी से काम होता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और बढ़िया ठंडी को थोड़ा बचा के काम करिए, ठीक है? ठंडी आग से काम सेकते रहिए, क्योंकि हाथ जब हमारे भटर रहे हैं, आपको काम कर रहे हैं, तो आपको तो हाथ भटरते ही होंगे। देखो भैया, यहाँ पे काम यहाँ पे चल ही रहा है ब्रिज में, ये देखिए क्या लेके आ रहे हैं सर जी? रहता है। क्या है सर, क्या नाम है आपका? रहता है, शिवम है। शिवम नाम। रहती है? हाँ हाँ। अच्छा अच्छा, ये वहाँ जरूरत पड़ती होगी बीच में? हाँ, ये माल वाल जब भराई होती है ना नीचे में, साइड में लगाना पड़ता, नहीं माल निकल जाएगा। अच्छा, ये जो प्लेटें डाली गई हैं, ये काहे की हैं प्लेटें? ये लोहा है। लोहा है जी। पहले वाली प्लेट से मजबूत है? और क्या, उससे मोटी भी है। उससे मोटी है जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ काम हो रहा है। ये देखिए, ये यहाँ पे सीढ़ी लगाई गई है, ये जाली लगी हुई है, ये देखिए। और यहाँ पे भैया हैं जो नीचे काम भी कर रहे हैं, ये देखिए वहाँ पे बाहर निकलिए, क्या कर रहे हैं भैया नीचे? ये देखिए वहाँ पे काम चालू है। तो इस तरह से जो है काम हो रहा है ब्रिज का, और जो पानी में मशीनें लगी हैं, सब ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे ये सीढ़ी लगा के ही पूरे ब्रिज का जो है रिपेयर किया गया है, ऐसे वहाँ तक लगी हुई है, जगह जगह में सपोर्ट लगाए हैं, सीढ़ी लगाई गई है। ये साइड में भी देख रहे हैं भैया, यहाँ पे खींच रहे हैं, ये देखिए। तो इस तरह से यहाँ पे ब्रिज का जो काम है वो चल रहा है, और पहले से बहुत ही अच्छी तरह से बना दिया गया है, एकदम मजबूत, डेढ़ गुना यहाँ पे पहले से मजबूत बनाया गया है। तो आपने देखा कि वहाँ नीचे किस तरह जो सीढ़ी लगाई गई है, उन्हीं सीढ़ियों से उतर के और यहाँ पे काम चल रहा है। ठंड है इस समय, धूप बिल्कुल नहीं है, फिर भी काम यहाँ पे चल रहा है। देखिए यहाँ पे सभी हैं जो भाई साहब हैं, और देखिए साइकिल वाले आ रहे हैं। देखो बाबू हैं, कहाँ के हैं, क्या नाम बाबू? दतौली से आ रहे हैं। अच्छा, अभी ब्रिज आपका बन गया, कैसा लग रहा है? ठीक चल रहा है। ठीक लग रहा है। कहाँ गए थे? बेंदा घाट। बेंदा घाट गए थे।
और मोटरसाइकिल तो आने नहीं देते ना? नहीं आने देते। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो अभी साइकिल यहाँ से लेके किसी तरह से निकल आए हैं, पर बड़ी गाड़ी नहीं, जैसे मोटरसाइकिल है चार पहिया। क्या नाम भैया? राजेश। इसमें जो लोग बोलते थे कि लोडेड गाड़ी अब नहीं निकल पाएंगी इसमें, तो कहाँ तक ये बात सत्य है? लोडेड गाड़ी अभी पूरा होने से पहले कैसे निकल पाएगा? नहीं अभी नहीं, मतलब बनने के बाद। बनने के बाद तो निकलेगा ना भाई। पहले जैसे सब गाड़ी निकलती थी, निकल पाएंगी? निकलेगी ना। हाँ, क्योंकि कुछ लोग ऐसे बोलते थे कि भाई हल्की गाड़ी निकलेगी और लोड गाड़ी जो ट्रक है बड़ी गाड़ियाँ नहीं निकल पाएंगी। नहीं, वो आप देख रहे हो ट्रक को लोड चेक कर रहे हैं। जी 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 जी, वो चेक कर रहे हैं, वो 26 तारीख से हो जाएगा। चलो, ये पैदल यहाँ आने जाने के लिए छूट दी गई है। रायगीर है, उनसे कुछ जानकारी लेते हैं, उनका क्या कहना है। क्या नाम है सर जी? बस इनसे पूछिए हम तो। हाँ सर, क्या नाम है? मनोज। अच्छा, ये ब्रिज आपका रेडी हो गया है? हाँ, और चालू भी होने वाला है अभी। क्या कहना चाहेंगे आप? अभी कह रहे हैं कि 10-12 दिन चलेगा अभी। अच्छा, 10-12 दिन चलेगा। हाँ, अभी इसका कोई पक्का नहीं है कब चालू होगा, पर काम अभी काफी बाकी है। काफी बाकी है काम, पर ये बहुत खुशी की बात है क्षेत्रवासियों के लिए, सबके लिए, कि ब्रिज को बहुत अच्छी तरह से बनाया गया है। ऐसा कहना, सही मजबूत बना है। जी जी जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये है लेयर, वो जो प्लास्टिक और मास्टिक जिसे कहा जाता है, ये आपको अच्छे से दिखा देते हैं। ये कंप्लीट होने के बाद जो डामर की लेयर पड़ती है गिट्टी की, उसके बाद ये पेशियल डाला गया ऊपर से, और ये नया देखने को मिल रहा है इसी ब्रिज में। ये देख सकते हैं, ये चिल्ला के ब्रिज में, और अभी जब तक जो नए ब्रिज बने हैं शायद उनमें सब में पड़ेगा, ये देख सकते हैं। और इसमें जो गिट्टी है ये लगाई गई है, ये इसलिए लगाई गई है कि गाड़ी जो है बारिश के टाइम में पानी पड़ने से स्लिप ना मारे। ये देखिए कितना मजबूती से जो है बनाया गया है, और ये पहले लेयर है, जो गिट्टी का डामर डाला जाता है, गिट्टी डाली जाती है वो है, और इसके बाद ये है। ये देखिए, ये यहाँ तक कंप्लीट हो गया है, आधा ब्रिज लगभग क्रॉस कराए हैं फतेहपुर साइड से, और यहाँ पे काफ़ी जो है, ये देखिए ये पूरा उधेड़ दिया गया है पुराना, इसमें कोई भी मसाला बचा नहीं है सब, और इतना देखिए ऊँचा, और लेयर अलग से डाली जा रही है यहाँ पे। और यहाँ देखिए सभी हमारे जो एक कर्मचारी हैं, जो लेवर्स यहाँ सभी लगी हुई है, इनसे बात करेंगे कि आखिर इनका कहना क्या है। यहाँ सभी लोग हैं, इनसे बात करते हैं कि सर जी का कहना क्या है। क्या नाम है सर जी? अमित वेरा। अच्छा, ये जो डाला जा रहा है ये ऊपर से, हाँ? ये कुछ नया देखने को मिल रहा है, क्या है? हाँ, ये नया है, ये तो प्लास्टिक पेपर है, मगर इसमें इसका नीचे है ये जो गिट्टी का डाला जाता है डामर वाली। हाँ, डाम्बर नीचे डाला हुआ है, इसका ऊपर प्लास्टिक मर रहा है जी। इसका ये सक्सेस होने के बाद रास्ता छोड़ देगा जी जी, यही बात है। मगर वो जो है तो पानी जाने के लिए बनाया है, नया डाला है। अच्छा। पुराना वाला उखाड़ के फेंक दिया। हाँ, ये नया वाला डाला है कंपनी ने, डाल दिया है, मगर काम अच्छा हो रहा है, जॉइंट भी नया बैठा दिया है जी जी जी। बस अच्छा, ज्वाइंट जो है पहले की जो प्लेट इसमें डाली थी ज्वाइंट, उससे ये मजबूत है। वो तो पक्का मजबूत है जी जी, बहुत मजबूत है, बहुत मजबूत है। और पहले से ब्रिज मजबूत है, जो नया मतलब जो बेकार हो गया था, क्षतिग्रस्त हो गया था, पूरा स्लैब बना हुआ है नया नया। हाँ, ये तो दिख रहा है कि पूरा उधेड़ के, आप देख सकते हैं पूरा उधेड़ के नए सिरे से बनाया गया है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखो क्या नाम बाबू? उस यही काम करते हैं? अभी खाने का टाइम हुआ है ना, मुझे लगा कि नए हमारे दिखे। चलिए चलिए, खाना खाइए, सभी लोग देखो यहाँ आ गए हैं, खाना खाने का समय हो गया है, और काम यहाँ पे बहुत तेजी से चल रहा है, ये आप देख सकते हैं। इतनी ठंड में भी सभी लोग काम पे लगे हुए। तो क्या ऐसा नीचे से भी कोई सपोर्ट मशीन है, कोई क्रेन एरेन तो की जरूरत नहीं है? नीचे से बियरिंग जेक पाप उठा के फिर नया बियरिंग डाल रहा है, पुराना वाला बैठ गया है, खराब हो गया, तो उसी का हिसाब से नया डाल रहा है जी जी। तो वाइब्रेशन होगा ब्रिज, जितना वाइब्रेशन होगा ब्रिज उतना अच्छा रहेगा। तो वो नीचे का काम चल रहा है, पिलर भी सपोर्टिंग और बनेगा जी जी जी। काम और भी है 4-5 महीने, मगर अभी फिलहाल रास्ता छोड़ेंगे। ये प्लास्टिक सारी बैरिंग नहीं बदल रही है ये सारी। हाँ, तो इसकी बैरिंग जब बदल जाएगी तो समझ लीजिए कि ब्रिज नया ही हो गया। चलिए खाना खाने का देखो, सबका समय हो गया है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। खाने का समय हो गया फिर भी देखिए काम पे लगे। ये देखिए यहाँ नीचे से कुछ खींच रहे हैं, तो काम यहाँ पे चलता हुआ ब्रिज का। ये देखिए सीढ़ी है, कुछ निकाल रहे हैं, और आगे बढ़ते हैं, और ठंड ज्यादा है, हाथ गलने लगते हैं। देखो भैया सेक सेक के काम करिए, भाई साहब यहाँ बैठे हुए हैं, आग जल रही है। आप कहाँ के हैं? कोलकाता का। कोलकाता, आप? महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र, क्या नाम है? माजिद शाह। अच्छा, आपका क्या नाम है? बंगल का। देखो हमारे साथ भैया हैं, क्या नाम भैया आपका? भगवान। अच्छा, कहाँ के रहने वाले? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र कौन सा जगह? अकोला। अकोला, अकोला। अच्छा, यहाँ कितने दिन से हैं? 1 महीना हो गया। तो घर वर जाते हैं कभी बीच में कि नहीं? नहीं नहीं जाते हैं। नहीं। यहाँ पे अभी कितने दिन तक लगभग काम चलेगा? अंदाजा आपके हिसाब से? 3 महीना। 3 महीना अभी और लगेगा? हाँ।
इसके बाद ही ब्रिज चालू होगा। हाँ पक्का नहीं अभी कब चालू हो जाएगा, पर काम चल रहा है, ब्रिज बहुत अच्छे से मजबूत बन रहा है, ये आपके लिए खुशी की बात है। जो क्षेत्रवासी हैं, वाहन चालक हैं और जो जिसका भी इस रूट से आना जाना है। हाँ अच्छा, और क्या कहना चाहेंगे, आपके महाराष्ट्र के क्या हालचाल है? हाँ बहुत अच्छा है, इधर बहुत ठंड है उधर बहुत गर्मी है। अच्छा खाने का टाइम हो गया है? हाँ खाने का टाइम हो गया, आगे जाएगा और मिलेगा। पकाते वकाते हैं कि जाके वहीं खाते हैं कहीं? नहीं वहाँ पकाना रहता है। अच्छा आप लोग के पकाने वाले अलग है? अलग है जी। तो देखिए इन्हीं में से जो है जिनका खाना पकाने का काम है वो खाना ही पकाते हैं। हाँ सही है। और काम करने वाले काम करते हैं जो नियम है। क्या नाम है सर? मिलन। यहीं के हैं कि बाहर के? बाहर के। बाहर के हैं, कैसा लग रहा है यहाँ पे? अरे अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। देखो सर जी हैं, क्या नाम सर जी? हेमंत। अच्छा ब्रिज यहाँ पे जो बन रहा है क्षतिग्रस्त हो गया था, अब ये जो बनाया गया है कितनी मजबूती से पहले से? अब नहीं मैं पहले से नहीं हूँ। अच्छा अच्छा नहीं, पर पहले जो था ब्रिज उससे तो ये बहुत अच्छे से मजबूत बनाया गया। मजबूत बन रहा है। ये तो उस पार खाना बनता है? हाँ उस पार बनता है, सभी लोग आ रहे हैं इधर से। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो यहाँ पे देखिए जगह जगह से कलकत्ता है, महाराष्ट्र है, अलग अलग जो है राज्य से भी यहाँ लोग हैं काम करने वाले। देखिए ठंडी में लोग जा रहे हैं, हम उनसे जरूर बात करेंगे कि भैया देखो बढ़िया मुस्कुराते आ रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? अंश। अच्छा कहाँ से आ रहे हैं? बिंदहाट। अच्छा पैदल जाके उस पार से पकड़ेंगे साधन? ये हम इन्हें छोड़ने जा रहे हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जिनका भी इस रूट से आना जाना है उनके लिए खुशखबरी कि ब्रिज आपका एकदम मजबूती के साथ बनकर तैयार हो गया है। हमारे जो जवान हैं ये देखिए ब्रिज को पूरी तरह से उधेड़ के एकदम चमचम बना दिया है। अब खाने का समय हो गया है, खाना खाने जाएंगे, फिर से लगे रहेंगे इसी ठंडी में। अलग से परत डाला गया, नया इस ब्रिज में कुछ देखने को मिला है और यहाँ तक काम हो गया है। अब इसके आगे काम जो है ये बाकी है, काफ़ी काम बाकी है। हमने यहाँ बात की है कि अभी कोई डेट जो है फिक्स नहीं है कब जो है चालू होगा, पर काम अभी काफ़ी यहाँ पर है तो समय लग सकता है। पर समय भले लगे पर ब्रिज बहुत मजबूती के साथ बना दिया गया है पहले से। और पहले जो जुगाड़ बना रहे थे, कई बार हमने तस्वीरें दिखाई हैं, वो जो बीच में छेद हो गया था झर गया था उसको कई बार इन्होंने जुगाड़ लगा लगा के बनाया, प्लेट डाला, ये किया वो किया, पर वो सक्सेस नहीं हुआ। और सक्सेस अब होगा और इसकी लाइफ भी बढ़ गई, नया जैसा हो गया ब्रिज। तो यहाँ पर देख सकते हैं रहने रहने का भी यहाँ पर इंतज़ाम है, ठंडी का टाइम है, अंदर से सब आवाज़ें आ रही हैं, लोग हैं यहाँ पर। ये पुराना जो मटेरियल है सब निकाल दिया गया है, लगभग 75% यहाँ का काम हो चुका है ऐसा दिख रहा है। और कोई नज़दीक में ब्रिज नहीं है, या तो चिल्ला से घूम के जाएंगे और नीचे, या तो अवगासी का ब्रिज है। ये दो अभी ब्रिज हैं जिससे आने जाने का वाहन के लिए, खास करके चार पहिया गाड़ी है अगर ऐसी कोई तो वो दो ही ब्रिज से आ और जा सकती है। ये जो रूट है पूरी तरह से बंद है, ये भी आपको जानकारी दे दें, किसी के कहने पर ना रहे, यहाँ से मोटरसाइकिल भी आनी जानी नहीं है, पैदल के लिए कोई मनाही नहीं है, बाकी बाइक है। क्या नाम है सर? रामकरण। अच्छा कहाँ से आ रहे हैं अभी? अभी तो हम बेना घाट से आ रहे हैं। अच्छा गाड़ी वहाँ पे खड़ी है या फिर वहाँ से पकड़ेंगे? नहीं वहाँ से पकड़ेंगे। अच्छा अच्छा, और अगर चालू होता तो अपने ही साधन से चले जाते? अरे हाँ है ना। चलिए बहुत अच्छा है, कम से कम एक खुशी की बात है कि इसे बहुत अच्छे से बनाया गया है। पहले देखो कई बार जुगाड़ इसका किया और सक्सेस नहीं हुआ, सही बात, पर अब इसको उधेड़ के जिस तरह से बनाया गया है, हमने बात किया अधिकारियों से तो डेढ़ गुना बोलते है कि ये पहले से मजबूत है। सही। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सही है। आप भी सर जी जा रहे हैं साथ? हाँ बिल्कुल सर, जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? फतेहपुर। फतेहपुर जा रहे हैं। हाँ जी। चलिए बहुत अच्छी बात है। वैसे सर कब तक चालू हो जाएगा ये? ये इनका कहना अभी कोई डेट नहीं दे सकते, पर हमने एक सुपरवाइजर हैं उनसे बात की थी तो बोल रहे थे कि 1 तारीख तक चालू हो जाएगा। चलिए ठीक है सर, थोड़ा मजबूती से बन जाएगा तो अच्छा रहेगा। नहीं नहीं बहुत मजबूत बना है, ये जो देखो नया आपने देख रहे, ये आपने देखा ये नया डाला गया है लेयर, ये आज तक किसी ब्रिज में यहाँ पे देखने को मिला। ठीक है। ये डामर है जिसे मास्टिक प्लास्टिक जो है लेयर कहते हैं। हाँ जी। इससे क्या होगा, ये गिट्टी जो लगाई गई है इसका मतलब ये है कि गाड़ी स्लिप नहीं मारेगी जिसे बारिश आरिश में, इसके लिए डाला गया। थैंक यू, बढ़िया सा बनना चाहिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बेंदा घाट है और बेंदा घाट के नाम से ये ब्रिज जो है मशहूर है, जाना जाता है। देखो खाना खा के शायद लौट भी रहे हैं, इस बार आ गए हैं बांदा पार। क्या नाम है सर? दलजीत सिंह। अच्छा ब्रिज का काम कहाँ तक कंप्लीट हो गया है? बैरिंग कंप्लीट हो गया जी, मस्टरी चालू है जो आधे से ज़्यादा तक में हो चुकी जी, शेष काम नीचे पिलर का बचा है जो चालू होने के लिए रास्ता बनाया जा रहा है। अच्छा अच्छा, और ये अनुमानित ये है कि 26 जनवरी के समय झंडा रोहण के बाद इसे आवागमन के लिए मोटरसाइकिल व चार पहिया के लिए चालू कर दिया जाएगा। अच्छा अच्छा, बड़ी गाड़ी जैसे लोडेड गाड़ी है? नहीं अभी तो उसका लोड वेट नाप रहे हैं हर चैम्बर पर खड़े करके गाड़ियाँ जी, जब तक वो चैम्बर उनका 100 टन का वेट नहीं बताता, जिस चैम्बर में कोई भी डिफेक्ट नजर आता है जी, उसके लिए जो है वो लोग हर चैम्बर को चेक कर रहे हैं।
जिसमें 100 टन का वजन रखा जा रहा है जी। अभी एक पहला चैम्बर में 75 टन तक का वजन रखने के बाद उसको देखा गया वो सक्षम है जी। अच्छा कहते हैं, अच्छा ये ब्रिज की जो पहले मजबूती थी और ये क्षतिग्रस्त हो गया था, टूट गया था, अब इसके बाद जब ये बनाया गया है तो अब कितना मजबूत बनाया गया इसको? बनाने के समय तो वैसे ही बनाया गया जैसा है, अब मटेरियल कैसा रहा जी इसका तो लेखा जोखा सब अधिकारियों के पास है, क्योंकि हर राउंड का बनने के बाद मसाला उनके पास हर सैंपल के लिए डिब्बे में रखा गया है, और उसमें कौन सा कोई गड़बड़ी है इसकी जानकारी वो इंजीनियर लोग खुद देंगे जी। ये जो प्लेटें डाली गई हैं, पुरानी प्लेटें लोहे की जो लगी थी जी, वो प्लेटें पहले की जो थी उससे ये बेलनाकार थी। हाँ हाँ। और जो अब डाली गई हैं वो स्प्रिंग वाली डाली गई, पहले चार चार थी एक प्लेट पे, अब आठ आठ डाली गई हैं जो स्प्रिंग है, उन्हीं की जंपिंग और उन्हीं का लोड नापने के लिए ट्रक रख खड़े किए गए हैं। पहले से डबल कर दी गई प्लेटें? पहले से डबल कर दी गई, यानी कि पहले से मजबूत हो गया, मजबूत बनाया गया है जी। और पहले भी जिस कंपनी ने इसे बनाया था वही कंपनी इस बार दोबारा कॉन्ट्रैक्ट इसका लिया है जी जी। तो ये, अपनी जी अनुमान में ये तो सोचेंगे कि मजबूत बनाया जाए, उसमें तीन शायद छत्ती बाकी रह गई थी, नहीं टोटल 26 की टोर की ही बनाया गया है, नया ढलाई नया सब कुछ, नया जो है जाल बंधा, नया उसका राड पड़ा, जो राड सही था वो राड उसमें पड़ा रहा, जो राड खराब था उसको राड को दोबारा जो है डाल के उसको सुरक्षित किया गया जी जी। आए दिन जाम लगा रहता है सिर्फ इसलिए कि ये ब्रिज अभी रुका हुआ है, इसलिए इसके चलने के बाद जी सारे ब्रिज जो है डाउन पड़ जाते हैं जी, और सारे ब्रिज जो है खाली पड़ जाती है। ये ब्रिज मेन रोड पड़ता है जो बांदा सागर राय बरेली से होती है सागर तक जाता है जी जी, इसलिए ये रोड मेन है, इसके खुलने के पश्चात सारे ब्रिज जो है डाउन पड़ जाएंगे। जो ट्रक चालक थे जब उनसे हमने बात की अभी जब जाम लगा हुआ था, उन्होंने कहा कि ये जो बेंदा घाट का ब्रिज अभी रुका हुआ है क्षतिग्रस्त की वजह से, उसी लिए हमको ज्यादा परेशानी झेल पड़ रही है, नहीं तो हम इतना ज्यादा घूम के क्यों आएंगे इधर। सत्य है, और रास्ता भी बहुत ज्यादा क्षतिग्रस्त हो चुका है जी जी, इसलिए जो है वो लोग परेशान हैं। अब इनकी कब तक जो है महानता है, जब तक उसको चालू नहीं करते तब तक तो दोनों रोडें जो है बहुत क्षतिग्रस्त भी हैं, बहुत परेशानी से हर चालक गुजर रहा है जी। लेकिन जब तक ये ब्रिज नहीं चल रहा तब तक मजबूरी तो है ही है। हाँ, यही जानकारी मिली है कि वो ये ब्रिज जब चालू होगा तो वहाँ पे थोड़ा तक कम होगा, कम नहीं थोड़ा नहीं, यहाँ 70% 30% में ही अदर ब्रिज चल, इसके इतने दिन के बंद होने के बावजूद भी ऐसा किसी दिन भी जो नहीं गया जिस दिन कोई ना कोई ड्राइवर भूले भटके, कोई ना कोई चार फोर व्हीलर, कोई ना कोई सिक्स व्हीलर या ट्रक वगैरह, अभी सुबह सुबह ही आज दो ट्रक जो है बागेश्वर धाम का माल लाद कर आए, अब उन्हें जब बताया गया कि जो है ब्रिज का कार्य निर्माण पे हो रहा है तो वापस गए, परेशानी हुई उन्हें, 14 किलोमीटर वापस फिर बगुहा गए, बगुहा से फिर अपना वही चिल्ला वाला मार्ग पकड़ के गए, परेशानी हुई जी जी। लेकिन परेशानी को जो है जब तक ये कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक तो परेशानियाँ झेलनी ही पड़ेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। अच्छा सर, आप यहाँ पे जो दायित्व? हाँ, गार्ड की नौकरी पर निर्भर हूँ, गार्ड की ही नौकरी कर रहा हूँ यहाँ पर, जो मैं अक्टूबर से यहाँ पर बराबर जो है कंटिन्यू गार्ड की नौकरी कर रहा हूँ। तो आपके जानकारी के लिए बता दें कि ब्रिज 26 जनवरी से शायद चालू हो सकता है, और अभी जो छोटी गाड़ियां हैं जैसे कि बाइक है और फोर व्हीलर है उनके लिए छूट दी जाएगी, थोड़े दिन उसके बाद जब वेट इसका माप लिया जाएगा उसके बाद ही जो लोडेड गाड़ी है ट्रक वगैरह है ओवरलोडिंग गाड़ी है उसके बाद ही आना जाना यहाँ पे शुरू होगा। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें ताकि हम उत्तर प्रदेश की हर एक खबर आप तक इसी तरह पहुँचाते रहें। फेसबुक में भी आप फॉलो कर सकते हैं इंडिया दिवसो न्यूज़, बने रहिएगा और आगे की तस्वीरें इस तरह हम आपको दिखाते रहेंगे। अगले वीडियो तक के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।